अस्सलाम वालेकुम। डार एकेडमी की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रदा। आज की वीडियो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के टॉपिक के हवाले से है। इसमें हम डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले यूज़ होंगे उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको 1991 से 2019 तक जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हुए हैं वो सॉल्व करने के लिए दूंगा, और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में उनको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या है। तो पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए हम एक गैशियस मिक्सचर सपोज करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है V, इसके अंदर मौजूद है हमारे पास गैस A, गैस B, और लेट सपोज हमारे पास मौजूद है गैस सी। तो यहां पे हमारे पास जो गैशियस मिक्सचर है, इस गैशियस मिक्सचर में यकीनन हमारे पास गैस ए का भी प्रेशर होगा, गैस बी का भी अपना प्रेशर होगा, और गैस सी का भी अपना प्रेशर होगा। तो ये हमारे पास जो इंडिविजुअल प्रेशर है किसी भी गैस का गैशियस मिक्सचर के अंदर, इंडिविजुअल प्रेशर को हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो सकता है, इन अ गैशियस मिक्सचर इन अ गैशियस मिक्सचर द इंडिविजुअल प्रेशर exerted by a gas उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ, जो कि है हमारे पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए भी हम यहां पे यही कंसिडर कर रहे हैं जो कि अभी हमने कंसिडर किया था। लेट सपोज हमारे पास तीन गैसेस हैं, ये है हमारे पास गैस ए, ये है हमारे पास गैस बी, और ये है हमारे पास गैस सी। ये जो हमारे पास गैसेस हैं इनका वॉल्यूम जो है, जिस कंटेनर में ये मौजूद हैं इनका वॉल्यूम सेम है। यानी कि हम सपोज कर लेते हैं इसका वॉल्यूम वी है, इसका वॉल्यूम भी वी है, इसका वॉल्यूम भी वी है। लेट सपोज गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो है हमारे पास पी ए, गैस बी का पार्शियल प्रेशर है पी बी, और गैस सी का पार्शियल प्रेशर है पी सी। इन तीनों को अभी हमने अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ है। अब अगर हम इन तीनों गैसेस को ट्रांसफर कर दें एक ही कंटेनर में जिसका भी वॉल्यूम हमारे पास जो है वो V हो, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों गैसेस आ गए, गैस A भी आ गया, गैस B भी आ गया, और गैस सी भी आ गया। अब यहां पे हमारे पास जो गैस ए, गैस बी और गैस सी को जब हमने एक कंटेनर में साथ रखा, तो यहां पे हमारे पास इन तीनों का जो प्रेशर था वो हमारे पास कैलकुलेट करने पे पता चला कि जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है इन तीनों पार्शियल प्रेशर के सम के, यानी कि पी ए
प्लस पी बी प्लस पी सी। तो यही हमारे पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के स्टेटमेंट है कि टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर विच आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। अब यहां पे हमारे पास अगर स्टेटमेंट को लिखा जाए तो ये स्टेटमेंट कुछ यूं होगी, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। हमने यहां पे अभी तीन गैसेस कंसिडर की थी, अगर मैं चार कंसिडर कर लूं तो यहां पे हमारे पास अगर फोर्थ वन को हम नाम देते हैं गैस डी तो उसका पार्शियल प्रेशर यकीनन होगा पी डी, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, साथ में हमारे पास पी डी। तो यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट की बात हो गई और हमारे पास पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं जो कि हमें पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने हैं उसको हम देख लेते हैं ताकि हम पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर सकें। एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ रहा है जो अभी हमने पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, साथ में हमारे पास पी सी। अब यहाँ पे हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है कि प्रेशर जो है ये बराबर होता है हमारे पास एन आर टी ओवर वी, ये इक्वेशन हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। अगर मैं गैस ए के लिए कंसिडर करूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी ओवर वी। अगर गैस बी के लिए कंसिडर किया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी ओवर वी। अगर गैस सी के लिए कंसिडर किया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा पी सी इज इक्वल टू एन सी आर टी ओवर वी। हमें पता है कि पी टी बराबर है पी ए पी बी और पी सी के सम के, तो अगर मैं इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को रख दूँ तो पी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एन ए आर टी ओवर वी एन बी आर टी ओवर वी एन सी आर टी ओवर वी। अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास आर टी ओवर वी जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी एन सी आर टी ओवर वी। एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है और एन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी है, तो टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन टी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन टी आर टी ओवर वी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेकेंड, पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी ओवर वी। अगर हमें लेट सपोज गैस ए का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है और आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो पी टी गिवन है, तो इसको निकालने के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा अगर मैं पी ए को डिवाइड कर दूँ पी टी से तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ए डिवाइड बाय पी टी इज इक्वल टू एन ए आर टी ओवर वी डिवाइड बाय
एन टी आर टी ओवर वी। अब यहाँ पे हमारे पास ये आर टी ओवर वी और ये आर टी ओवर वी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं आ रहा है, पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। अब यहाँ से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए निकाल सकते हो, उसको निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। अगर आपको पी बी के लिए निकालना होता तो यही फॉर्मूला अरेंज हो जाता हमारे पास बी पे, तो ये हो जाता पी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन टी मल्टीप्लाई बाई पी टी। और अगर सी के लिए निकालना होता तो इसी तरह से अरेंज हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं फॉर्मूला जनरल कर देता हूँ। लेट सपोज गैस जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन एक्स डिवाइड बाय एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, एक हो गया पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, सेकेंड फार्मूला जो है वो पी इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी, और तीसरा फार्मूला हो गया पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं गैस कलेक्शन ओवर वाटर के प्रोसीजर में, जिसमें हमारे पास गैस जो है वो कलेक्ट होता है वाटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जब गैस कलेक्ट होगा तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो गैस नहीं, गैस के अलावा हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा वाटर वेपर्स भी। तो अगर हम इसको अप्लाई करें गैस विच इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर, तो उसमें हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा हमारे पास पी टी के। और चूंकि इसमें हमारे पास दो गैसेस हैं तो हमारे पास एक होगा ड्राई गैस और दूसरा होगा हमारे पास पी वाटर वेपर। तो हमारे पास पी टी जो है इसको हमने टोटल प्रेशर कहा है, इसको हम मॉइस्ट गैस भी कह सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गैस का प्रेशर मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ड्राई गैस इज इक्वल टू पी टी, यहाँ पे मौजूद है पी वाटर वेपर, उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसकी वाटर वेपर की जगह पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ पी एच टू ओ गैशियस फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए जो कि यूज होने वाले हैं हमारे पास पास पेपर के न्यूमेरिकल्स में, इन फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ जो कि आपने सॉल्व करना है, और उसके आंसर्स फिर मुझे ज़रूर बताने हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास 1992 से लेके 2002 प्री इंजीनियरिंग तक के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। ये जो हमारे पास है ये 2003 प्री इंजीनियरिंग से लेके 2015 तक हैं। 2003 प्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर रिपीट भी हुआ है, यानी कि 2019 में भी आया हुआ है। आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये हमारे पास लास्ट 2016 और 17 के क्वेश्चन हैं। 2018 में डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करो। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।